जशपुर जिले में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाकर ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक महिला ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाकर उनके स्वसहायता समूहों को लोन दिलाया और फिर उनके पैसे लेकर गायब हो गई। यह ठगी लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम की हुई है। अब बैंकों ने जब महिलाओं से लोन के पैसे के लिए नोटिस दिया तो महिलाओं को ठगे जाने का एहसास हुआ। अब सैकड़ों महिलाएं पुलिस से गुहार लगा रही हैं। आरोपी महिला का नाम सुमित्रा नायक बताया जा रहा है, जो लोखंडी गांव की है। सुमित्रा नायक ने गांव-गांव में जाकर सक्रिय महिलाओं का पता किया और सक्रिय महिलाओं को महिला स्वसहायता समूह बनाकर सुअर पालन, बकरी पालन, दोना पत्तल निर्माण, कढ़ाई सिलाई बुनाई समेत अन्य रोजगार शुरू कराकर आत्मनिर्भर बनाने का सपना दिखाकर बैंकों में ले जाकर उनका लोन स्वीकृत कराया और पैसा मिलते ही किसी से 1 लाख, किसी से 70,000, किसी से 50,000, जिसका जितना लोन स्वीकृत हुआ पूरा पैसा उसने यह कहकर रख लिया कि अब वह उनके लिए इन्हीं पैसों से सिलाई मशीन, दोना पत्तल बनाने की मशीन जैसे संसाधन जुटाकर उनको आत्मनिर्भर बनाएगी और लोन के किश्त की राशि भी वह स्वयं पटाएगी। इसके बाद काफ़ी दिनों तक सुमित्रा नायक इन महिलाओं से नहीं मिली और बैंकों से लोन के पैसे की किश्त के लिए नोटिस आने लगे, तब महिलाओं को ठगे जाने का एहसास हुआ। स्वसहायता समूह की महिलाओं ने जब आरोपी महिला को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आया और महिला के घर से सारा सामान लेकर घर के सभी सदस्य परिवार सहित गायब हो गए हैं। पीड़ित महिलाओं ने SP से मिलकर उनके पैसे वापस दिलाने की मांग की है। बताइए, सुमित्रा नायक मतलब गांव गई और मेरे को गांव में भेंट हुई और पूछी कि तुम लोग के पास समूह है, बोली स्वसहायता समूह चलता है, बोली तो हाँ हम लोग के पास स्वसहायता समूह चलता है, बोली मैं तो मेरे को बोली कि सचिव अध्यक्ष घर या आदमी को पता कर दीजिए, बोली तो मैं बोली कि मैं हूँ अध्यक्ष हूँ, मैं हूँ सचिव हूँ, बोली तो वो समूह चलाएँगे तब सबको इकट्ठा करना ऐसे बोली, तो सब महिला को मैं इकट्ठा की और वो समझा दी कि सब महिलाओं को कि हम लोग समूह चलाएँगे, अच्छा से चलाएँगे, बकरी खरीदेंगे, मुर्गी पालन करेंगे, ऐसे सबको बोल के समझाई तो सबको ही राजी हो गए। तो सब महिलाओं को अब पंजाब नेशनल स्वसहायता समूह द्वारा खाता खुलवाई और सबसे 1-1 लाख रुपया निकलवाई और उसको मैं ही पटाऊंगी और जो भी खरीदना है मैं ही खरीदूंगी बोल के सब महिलाओं से 1-1 लाख रुपया निकलवाई और उसको लेके फरार हो गई। 12 गांव से आए हुए हैं तो 1,25,00,000 लगभग ऊंचा भी हो जाएगा। हम लोग जांच कर मांग कर रहे हैं तो हम लोग उतना पैसा हम लोग के लिए सुमित्रा नायक को खोज के ला दीजिए और सब किस्ती और लोन दिलवाई है उसको पूरा करवाना चाहते हैं। हम लोग समूह हमारे गांव सुमित्रा नायक लोखंडी की रहने वाली है, पति कलिंदर नायक, तो हमारे गांव गई और 10-10 महिला का समूह तैयार की और बैंक ले गई और बैंक से पैसा निकलवा के भाग गई सिलाई वगैरह सिखाऊंगी बोल के। कितना पैसा? हर महिलाओं से हर बैंक से अलग अलग पैसा ली हुई है। मेरे यहाँ एक ठू में 15,000 और एक ठू में 30,000। आप कितना पैसा दिए? मैं पूरा कुल टोटल दी हूँ उसके लिए, फिर अभी मैं ही पटा रही हूँ उसको। यानी कि मनोरा ब्लॉक से भी ठगी है और इधर जशपुर ब्लॉक से भी करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। थाना जशपुर अंतर्गत ग्राम संगड़ा की महिलाएं आई थी, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और इस संबंध में कल सूचना भी प्राप्त हुई थी, जिसमें उनके गाँव में कई सारी महिलाओं के साथ स्वसहायता समूह लोन के नाम से पैसा निकाल लिया गया है और उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ और इनके पास बैंकों से लोन पटाने की रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने एक शिकायत किया है, उस पर पुलिस जांच करके शीघ्र कार्रवाई करेगी।